हे दोस्तों, अगर मैं इंटेलिजेंस को बस दो हिस्से में डिवाइड करूं, जिसमें से एक हिस्सा हो इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस का, जिसे हम आईक्यू से मेजर करते हैं, और दूसरा हिस्सा हो इमोशनल इंटेलिजेंस का, जिसे ईक्यू से मेजर करते हैं, तो इसमें से आईक्यू वो हिस्सा है जिसको हम सब बहुत ज्यादा ध्यान और वैल्यू देते हैं। हम सब चाहे कि हमारा आईक्यू बहुत अच्छा हो और हम इंटेलेक्चुअली बहुत इंटेलिजेंट रहे, मतलब हमारे मार्क्स अच्छे आए, हमारी मेमोरी अच्छी हो, हमें चीजें जल्दी समझ आए और जल्दी याद हो, एक्सेट्रा। अब ऐसा सोचना अच्छी बात है, पर प्रॉब्लम यह है कि हमारा लाइफ में सक्सेसफुल बनना बस 20% डिपेंड करता है हमारे आईक्यू पे, जबकि 80% ये चीज डिपेंड करती है हमारे ईक्यू पे। बहुत सारी स्टडीज ने कंफर्म किया है कि उन लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अचीव किया है जिनका आईक्यू एवरेज या लो था पर ईक्यू अच्छा था, जबकि वो लोग जिनके पास ज्यादा आईक्यू था लेकिन ईक्यू कम था, उन लोगों की लाइफ में हर चीज कंपैरिजन में बहुत कम रही है, जैसे कि हैप्पीनेस, बैंक बैलेंस, अच्छे रिलेशनशिप्स एक्सेट्रा। अब इसका एक रीजन ये है कि हम इंसान इमोशनल क्रिएचर्स हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि इंसान बहुत लॉजिकल और रैशनल क्रिएचर है, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम अपनी लाइफ के ऑलमोस्ट सारे डिसीजंस और एक्शंस इमोशन से इन्फ्लुएंस होके लेते हैं, ना कि लॉजिक से। एग्जांपल, अगर किसी इंसान को पता चले कि उसके घर आग लग गई है और उसके घर वाले अभी तक घर में ही फंसे हुए हैं, तो वो घर के पास जाके ये नहीं सोचेगा कि आग कितनी ज्यादा है या कम है, उसका अंदर जाना सेफ होगा कि नहीं, बल्कि वो बिना कुछ लॉजिक लगाए या अपनी लाइफ का सोचे उसमें घुस जाएगा अपनी फैमिली को बचाने के लिए। ये होता है इमोशंस का पावर, और इसी तरह इमोशन हम सबकी लाइफ के डिसीजंस और एक्शंस लेने में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब इमोशनल इंटेलिजेंस होना मतलब हमारा खुद के और दूसरों के उन पावरफुल इमोशंस को समझना और उसे हैंडल करने आना। जो इंसान लोगों के उन इमोशंस को समझ सकता है, जिससे इन्फ्लुएंस होने के बाद लोग अपनी जान की भी नहीं सोचते, और उनसे इमोशनली कनेक्शन बना सकता है, वो इंसान अपनी लाइफ में ऑलमोस्ट कुछ भी अचीव कर सकता है। और अच्छी बात यह है कि हम सब अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को सीख के और प्रैक्टिस करके इंप्रूव कर सकते हैं, जो कि आईक्यू के लिए तो पॉसिबल भी नहीं होता। सो आज मैं आपको चार ऐसे डोमेन बताऊंगा जिनमें प्रैक्टिस करके हम अपना इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस। हम सब एक ना एक ऐसे इंसान को जानते ही है, या जानते नहीं तो एटलीस्ट रियलिटी शोज पे तो जरूर देखा होगा, एक ऐसा इंसान जिसे लगता है कि वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत फनी है, या अच्छा गाना गाता है, या अच्छा डांस करता है, या ऐसा कुछ। उसे लगता है कि लोग उसे और उसके उस टैलेंट को पसंद करते हैं, जबकि सच उसका एकदम उल्टा होता है और वो बस एक वहम में जीरा होता है। ये एग्जाम्पल है सेल्फ अवेयरनेस ना होने का। सेल्फ अवेयरनेस मतलब हमारा अपने आप को एकदम अच्छे से जानना, ये जानना कि हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, वीक पॉइंट्स क्या है, हमारा कैरेक्टर कैसा है, हमारे मोटिव्स क्या है, एक्सेट्रा। अब क्योंकि इधर हम इमोशन से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, इसीलिए यहां सेल्फ अवेयरनेस का मेन फोकस ये है कि अपने इमोशंस के बारे में अच्छे से पता होना, जो कि सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ये इतना सिंपल है नहीं। एग्जाम्पल, बहुत बार ऐसा होता है कि हम गुस्से में किसी को बहुत कुछ बोल देते हैं या कर देते हैं, और फिर बाद में रियलाइज करते हैं कि हमने कितना गलत कर दिया और हमें कितना ज्यादा गुस्सा आ गया था। इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस होना मतलब हमेशा पता होना कि हम कैसा फील कर रहे हैं, ना कि इमोशंस के फ्लो में बह जाना। अपने गुस्से और सैडनेस को हमेशा रियलाइज करना, ये पता रखना कि हमें दूसरों की कौन सी बात अच्छे इमोशंस देती है और कौन सी बुरे। सेल्फ अवेयरनेस इमोशनल इंटेलिजेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि जब तक आप अपने ही इमोशंस को एकदम अच्छे से नहीं समझ पाओगे, तब तक आप दूसरों को भी नहीं समझ पाओगे। नंबर 2, मैनेजिंग इमोशंस। एक आदमी आराम से गाड़ी चलाते हुए अपने घर जा रहा था, तभी अचानक एक तेज कार उसके बाजू से निकलती हुई उसे ओवरटेक करती है। वो कार इतने पास से जाती है कि उनका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। इस बात से उस आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो उस कार वाले को चिल्ला चिल्ला के गाली देने लगता है। लेकिन जब वो रियलाइज करता है कि उसकी आवाज उस कार वाले तक पहुंच भी नहीं रही है, तो वो गुस्से में गियर बढ़ाता है और रोड के रॉन्ग साइड से जाके उसके बाजू में आने की कोशिश करता है, ताकि उसे चिल्ला सके और गाली दे सके। लेकिन तभी सामने से एक गाड़ी आ जाती है, जिसे देखकर वो झटके में टर्न लेते हैं और उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। हम इंसान ज्यादातर अपने इमोशंस को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते, स्पेशली गुस्से को, जिसकी वजह से हमेशा कुछ ना कुछ खराबी होता है। अब ये सडन गुस्से और इमोशंस को हम एकदम से रोक तो नहीं सकते, जो कि हमें करना भी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, हम वो इमोशंस के आने के बाद उसे जल्दी से जल्दी खत्म जरूर कर सकते हैं।
एक टेक्निक जिसकी प्रैक्टिस करके हम ये कर सकते हैं, उसका नाम है रीफ्रेमिंग। रीफ्रेमिंग मतलब वो नेगेटिव फील कराने वाली सिचुएशन को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना। एग्जाम्पल, वो गाड़ी चलाने वाले आदमी का गुस्सा आना नॉर्मल था, लेकिन उनका गुस्सा खत्म होने के बजाय और बढ़ गया जब उन्होंने ये सोचा होगा कि वो तेज गाड़ी चलाने वाला इंसान हीरो बनने की कोशिश कर रहा था या शो ऑफ कर रहा था। अब अगर उन्होंने इस सिचुएशन को ऐसे फ्रेम करने के बजाय कुछ ऐसे फ्रेम किया होता कि शायद सच में वो कार चलाने वाले इंसान को बहुत ज्यादा जरूरी काम होगा, शायद कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी या कुछ ऐसा जो सच में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए वो इतना तेज गाड़ी चला रहा है। अब ऑब्वियसली उनका ये सोचना 100% गलत हो सकता था, लेकिन ऐसा रिफ्रेम करना एटलीस्ट उनके इमोशंस को पॉजिटिवली मैनेज करता, जिससे उनका गुस्सा कम हो गया होता और एट द एंड उनकी जान भी बच गई होती। इसीलिए हमें भी हमेशा गुस्से को खत्म करने के लिए चीजों को पॉजिटिवली रिफ्रेम करना चाहिए, बिना ये सोचे कि हम सही है या गलत। जब हमें नेगेटिव फीलिंग्स आती है तो वो एक के बाद एक आती ही रहती है, जो हमें बहुत प्रॉब्लम दे सकती है। सो इसीलिए बेटर ये है कि हम उस चेन को जितना हो सके उतना जल्दी तोड़ दे। मेरी पहले एक आदत थी, जब भी मैं सैड फील करता था तब मैं सैड गाने सुनता था जो मुझे और सैड कर देते थे, क्योंकि ये नेगेटिव फीलिंग से डील करने का एक गलत तरीका था। सही तरीका ये है कि नेगेटिव फीलिंग्स आने के बाद हमें हमेशा कुछ अपलिफ्टिंग काम करना चाहिए। एग्जाम्पल, वॉक पे जाना, कुछ फनी चीजें देखना, एक्सरसाइज या गेम खेलना, योगा या कुछ भी दूसरी चीजें करना जो आपको इमोशनली अपलिफ्ट करती हो, ना कि सैड सॉन्ग की तरह डाउन फील कराती हो। नंबर 3, एम्पथी। होप नाम की एक 2 साल की लड़की जब एक बच्चे को गिरते हुए देखती है तो वो रोते हुए अपने मॉम के पास चली जाती है। होप रोई क्योंकि उसको सामने वाले बच्चे का दर्द फील हुआ। एम्पथी मतलब सामने वाले इंसान के इमोशंस को खुद अपने इमोशंस समझ के उसे फील करना, ये समझना कि उन्हें कितना बुरा फील हो रहा है और उनकी उस खराब फीलिंग को अपने साथ शेयर करना। ज्यादातर क्रिमिनल्स, रेपिस्ट, साइकोपैथ्स, इन लोगों में एक कॉमन चीज दिखती है कि उनमें एम्पथी नहीं होती। उन्हें जरा भी समझ नहीं आता कि सामने वाला विक्टिम कैसा फील कर रहा था जब उन्होंने उसे तकलीफ दी। एक टेस्ट करने पर पता चला है कि साइकोपैथ को एक नॉर्मल वर्ड जैसे कि चेयर और एक इमोशनली इंपैक्टफुल वर्ड जैसे कि डेथ, इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस नहीं दिखता। अब एम्पैथी ना होने की बात बस क्रिमिनल्स तक बाउंडेड नहीं है। आजकल हम सबके अंदर बस हमें ज्यादा करके सिंपैथी देखने मिलती है, ना कि एम्पैथी। सिंपैथी मतलब सामने वाले इंसान पे तरस खाना, अफसोस करना, जो कि आपको सोशल साइट्स और हर जगह पे हजारों लोग करते मिल जाते हैं। पर एम्पैथी रखने वाले इंसान बहुत रेयर होते हैं, जो खुद लोगों की फीलिंग्स को फील करने की कोशिश करते रहते हैं, उनके इमोशंस को अप्रिशिएट करते हैं और उनके लिए कुछ करते भी हैं। एम्पैथी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनाएगी, और इसका होना हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एम्पैथी इंप्रूव करने के लिए पहली कंडीशन ये है कि आपको कम गुस्से वाला एक शांत इंसान बनना होगा, क्योंकि गुस्सा ये चीज आपको कभी भी दूसरों के फीलिंग समझने नहीं देगी। और गुस्सा खत्म करने के कुछ तरीके मैंने पहले ही आपको मैनेजिंग इमोशंस में बता चुका हूं। सो अगेन, मैं आपको पर्सनली भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी एम्पैथी को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये चीज आपको तो फायदा करेगी ही, पर उसके साथ साथ हमारे वर्ल्ड को भी एक बेटर प्लेस बना देगी। नंबर 4, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। ये तब की बात है जब अमेरिका और वियतनाम के बीच वॉर चल रही थी। एक रोड था जिसके दोनों तरफ चावल की फसलें थी। एक तरफ डेविड, एक अमेरिकन सोल्जर, अपने टीम के साथ छुपे हुए थे और दूसरी तरफ वियतनाम के सोल्जर छुपे हुए थे। दोनों एक दूसरे पर गोलियां चला रहे थे। तभी उस रास्ते पे कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क्स आ जाते हैं, जो एक लाइन बना के चल रहे होते हैं वो रास्ता क्रॉस करने के लिए। वो मॉन्क्स एकदम शांत और सुकून से चल रहे होते हैं, जैसे कुछ हो रहा ही ना हो। वो ना राइट देखते हैं ना लेफ्ट, बस एकदम सुकून से अपने रास्ते पे चलते जाते हैं। ये देखकर दोनों तरफ से गोलियां चलना अपने आप बंद हो जाती है। डेविड को बहुत अजीब फील होता है, जिसके बाद उन्हें जरा भी लड़ने का मन नहीं करता और ना ही उनके साथियों का। और डेविड बताते हैं कि शायद दूसरी तरफ के वियतनाम सोल्जर्स को भी कुछ ऐसा ही फील हुआ होगा, क्योंकि मॉन्क्स के जाने के बाद भी कोई वापस फायरिंग स्टार्ट नहीं करता और फिर सब वापस चले जाते हैं अपने अपने मिलिट्री बेस पे। इस रियल स्टोरी में सारे सोल्जर्स का लड़ने का मन खत्म हो गया। रीजन, क्योंकि इमोशंस कंटीजियस होते हैं, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में इजिली ट्रांसफर हो सकते हैं।
एग्जाम्पल, जब एक बच्चा या कोई हमें स्माइल करते हुए देखता है तो हमारे चेहरे पर भी ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है। ये होता है क्योंकि हमारे इमोशंस सामने वाले के इमोशंस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। सो अगर कोई आपसे गुस्से में बात करता है और फिर रिटर्न में आप भी उससे गुस्से में बात करोगे, तो फिर इसके आगे सारी बातें गुस्से में ही होगी और कुछ भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर सामने वाले के गुस्से से बात करने के बाद भी आप शांत होके इमोशंस को कंट्रोल रख के बात करोगे, तो बहुत ज्यादा चांस है कि ये चीज सामने वाले को भी शांत कर देगी। ये बातें मैंने आपको इमोशनल इंटेलिजेंस बाय डैनियल गोलमैन बुक से बताई है। आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए क्योंकि मुझे पर्सनली भी लगता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का होना हम सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये चीज आपको बिजनेस, रिलेशनशिप्स और ऑलमोस्ट हर चीज में बहुत काम आएगी।